हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशंस। थैंक यू। जय माता जी। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। ध्यान कॉमर्स के ऑनलाइन लेक्चर में फ्रेंड्स आपका स्वागत है। 12 कॉमर्स के अंदर बच्चों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 4, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप को रिकंस्ट्रक्ट करना बच्चों। बोर्ड में पूरे टॉपिक का वेटेज 5 मार्क्स है बच्चों, जिसमें 1 मार्क का शॉर्ट क्वेश्चन, 1 मार्क का एमसीक्यू और 3 मार्क का बच्चों छोटा क्वेश्चन आएगा, छोटा सम आएगा। तो बच्चों ये टॉपिक बहुत ही प्यारा और छोटा टॉपिक है। ये टॉपिक का जो हेडिंग है रिकंस्ट्रक्शन, पहला वर्ड बच्चों, उसे देख को आपको ऐसा लग रहा होगा कि रिकंस्ट्रक्शन यानी कोई बिल्डिंग को रिबिल्ड करना, बांधना। जनरली रिकंस्ट्रक्शन वर्ड कंस्ट्रक्शन फील्ड से जुड़ा हुआ है। तो जब कोई मकान बना रहा हो उसमें चेंजेस करे बच्चों, तो उसे रिकंस्ट्रक्शन कहा जाता है। ये पॉइंट हमें पढ़ना है नहीं बच्चों, ये टॉपिक में हमें बिल्डिंग, हाउस, सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, उससे जुड़ा हुआ रिकंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ना है। हमें पढ़ना है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। बच्चों 12 कॉमर्स के अंदर पार्ट 1 अकाउंट में सारे टॉपिक धीरे धीरे आप पार्टनरशिप के पढ़ रहे हो। पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर मिनिमम बच्चों बिजनेस के अंदर 2 पार्टनर होते हैं, मैक्सिमम 50 पार्टनर होते हैं। तो कई बार बच्चों पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट करने के बाद उसमें चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे बच्चों मकान का एग्जाम्पल लें, तो आप घर पर 4 सभ्य हो, पति पत्नी और 2 बच्चे हो। सपोज आपने टेनामेंट लिया जिसमें 2 रूम है और किचन है। अब भविष्य में बच्चों आपको ऊपर के मकान की जरूरत, की ऊपर के माले की जरूरत पड़ी, तो आप रिकंस्ट्रक्शन करोगे, सेकंड फ्लोर बनाओगे। वैसे ही बच्चों जब पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनरशिप में कोई चेंजेस करने की जरूरत पड़े तो उसे बोला जाता है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप का बच्चों सिंपल मीनिंग समझना हो तो ऐसा कह सकते हैं, चेंजेस इन पार्टनरशिप ड्यू टू सेवरल रीजन इज नोन एज रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। तो ऐसा कह सकते हैं बच्चों, ड्यू टू सम पर्टिकुलर रीजन्स अगर पार्टनरशिप के अंदर चेंजेस हो बच्चों तो उसे कहा जाता है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये होगा बच्चों, पार्टनरशिप के अंदर चेंजेस कैसे होते हैं, क्यों किए जाते हैं बच्चों? तो अब मैंने मकान में नहीं बोला बच्चों, अब आप नीचे के फ्लोर पर रह रहे हो, फैमिली में सभ्य संख्या बढ़ी, आपको ऊपर का माला बनाना हो, तो आप रिकंस्ट्रक्शन करोगे, कंस्ट्रक्शन को बढ़ाओगे। वैसे ही बच्चों पार्टनरशिप हम के अंदर कई बार 2 पार्टनर या 3 पार्टनर मेहनत कर रहे होते हैं, उसमें मोस्टली प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इक्वल होता है। अब सपोज एक पार्टनर बच्चों ज़्यादा मेहनत कर रहा है तो उसको ऐसा लग रहा है कि मुझे प्रॉफिट ज़्यादा मिलना चाहिए। तो सबसे पहले बच्चों पार्टनरशिप में कई बार पार्टनर ज़्यादा मेहनत करेगा, ज़्यादा प्रॉफिट मांगेगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में चेंजेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले पार्टनरशिप के अंदर चेंजेस बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में किया जाता है। तो पहला पॉइंट लिखेंगे बच्चों, चेंजेस इन प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। अब जो भी बच्चों आप पार्टनरशिप का रिकंस्ट्रक्शन करोगे या उसे बोला जाए रिकंस्टिट्यूशन, तो आपको ये पता होना चाहिए बच्चों, पहले टॉपिक में हमने पढ़ा हुआ है, पार्टनरशिप के सारे रूल्स रेगुलेशन पार्टनरशिप डीड के अंदर होते हैं। तो जो पार्टनर्स ने स्टार्टिंग में पार्टनरशिप डीड बनाई हो बच्चों, उसके अंदर हर एक पार्टनर्स को कितना प्रॉफिट मिलेगा, हर एक पार्टनर्स को इंटरेस्ट के ऊपर कितना कैपिटल मिलेगा, पार्टनर कब ड्रॉइंग्स विड्रॉ कर सकता है, कब इंटरेस्ट उसको पेमेंट करना है, लोन अगर पार्टनर बिजनेस में देता है या लोन लेता है तो उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट होगा बच्चों, ये सारे इन्फॉर्मेशन पार्टनरशिप डीड में फिक्स होती है। तो जब बच्चों पार्टनरशिप फर्म का रिकंस्ट्रक्शन होता है तो वो डीड में चेंजेस करने पड़ते हैं। तो सबसे पहला चेंजेस, कोई एक पार्टनर ज़्यादा काम कर रहा है बच्चों, पार्टनरशिप फर्म का जो भी प्रॉफिट एंड लॉस चेंज करना है तो अब रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ती है। सेकेंड बच्चों, एडमिशन ऑफ पार्टनर। कई बार बच्चों आप बिजनेस के अंदर डेवलपमेंट चाहते हो, 3 पार्टनर है, अब एक नया पार्टनर वो लोग बिजनेस में एंटर करने जा रहे हैं बच्चों, वो पार्टनर के पास पैसे हैं, स्किल्ड है, जिसका आप उपयोग करना चाहते हो। तो जब नया पार्टनर एंटर हो बच्चों तो स्वाभाविक है पुराना जो भी प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है उसमें चेंजेस होगा। तो व्हेन एडमिशन ऑफ पार्टनर देयर विल बी चेंजेस इन पार्टनरशिप, यानी उसे कह सकते हैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। उसके बाद थर्ड रीजन है बच्चों, एडमिशन के बाद रिटायरमेंट और डेथ, रिटायरमेंट और
death of partner. This is the three reason when partnership reconstruction required. Partnership के अंदर changes होता है बच्चों, profit and loss ratio change करना, admission of partner, कोई partner की death हो जाए बच्चों या retired हो जाए, in this condition जो old partners है उनका ratio बदलेगा. तो इन दिस थिंग कंडीशन पार्टनरशिप फर्म का जो भी ट्रस्ट डीड है बच्चों या पार्टनरशिप फर्म के रूल्स रेगुलेशन उसमें चेंजेस होगा. तो ये जो बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में चेंज होगा वो आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 4 यानी ये टॉपिक में. एडमिशन ऑफ पार्टनर में पार्टनर के एंटर करने से बच्चों क्या क्या चेंजेस होते हैं तो आप समझ सकते हो बच्चों. जब भी पार्टनर एड होगा तो जो भी असेट्स है लायबिलिटी उसका रिवैल्यूएशन होगा बच्चों. प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज होगा, नया पार्टनर कोई एक्स्ट्रा अमाउंट लेके आएगा, दैट इज कॉल्ड गुडविल. तो वो सारे चेंजेस बच्चों आपको पढ़ने हैं चैप्टर नंबर 5 में. और उसके बाद जब कोई पार्टनर रिटायर्ड हो जाए बच्चों, डेथ हो जाए, तो उसका जो भी पोर्शन है उसको हमें अलग करके साइड में रखना होगा, उससे जुड़ा हुआ कैलकुलेशन आपको करना है चैप्टर 6 में. यानी ऐसा कह सकते हैं बच्चों पार्टनरशिप फर्म के तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक रिकंस्ट्रक्शन अभी आप इसमें पढ़ोगे, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में चेंज करना, उसके बाद एडमिशन ऑफ पार्टनर का पोर्शन पढ़ोगे चैप्टर 5 में, और चैप्टर नंबर 6 में बच्चों रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर उससे जुड़ा हुआ वर्किंग आप सीखोगे. तो तीनों कंडीशन में बच्चों पार्टनरशिप का रिकंस्ट्रक्शन कैसे होता है वो आपको स्टडी करना है. अब यहाँ बच्चों मात्र आपको प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में चेंजेस पढ़ना है. अब बच्चों एक एग्जांपल से हम समझते हैं. सपोज बिजनेस के अंदर तीन पार्टनर है, ए बी और सी, तीनों का बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इक्वल है. प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो सपोज इक्वल है 1:1:1, ठीक है. अब बच्चों प्रॉफिट हो रहा है 30,000, ध्यान देना प्रॉफिट कितना कमा रहे हो बच्चों 30,000 रुपये. अब बिजनेस का प्रॉफिट 30,000 हो तो तीनों के बीच में कैसे बांटोगे, इक्वल बेस पे 10,000 10,000 10,000. अब बच्चों 6-8 महीने के बाद ऐसा हुआ, सी नाम के बंदे को ऐसा लग रहा है कि मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ, मेरी एफिशिएंसी ज़्यादा है, मैं फॉर्म में ज़्यादा टाइम देता हूँ, तो मुझे जो भी प्रॉफिट है वो ज़्यादा मिलना चाहिए. अब मुझे बताओ बच्चों यहाँ तीनों को इक्वल रेशियो पे प्रॉफिट बांट रहे हो, अब सपोज सी को आपको प्रॉफिट ज़्यादा देना है, ठीक है. आफ्टर 6 मंथ सपोज सी प्रॉफिट ज़्यादा मांग रहा है, आप इसको 15,000 रुपये प्रॉफिट देना चाहते हो. अब आपको पता है बच्चों बिजनेस का टोटल प्रॉफिट तो 30,000 है, अब इसको आप 15,000 दोगे तो यहाँ क्या होगा, टोटल 5,000 रुपये, टोटल तो 30 ही होना है, ठीक है. तो यहाँ बच्चों बचे हुए 15,000, यानी इसको 5,000 रुपये जब प्रॉफिट ज़्यादा दोगे तो वो 5,000 रुपये का सेक्रीफाइस ए या बी में से किसी एक को करना होगा. तो व्हेन देयर इज अ चेंजेस इन प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो बच्चों, सबसे पहले आपको फाइंड करना पड़ता है विच पार्टनर सेक्रीफाइस, कौन से पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया यानी भोग दिया बच्चों. क्योंकि इसको आप 30,000 प्रॉफिट था, 10 दे रहे थे, अब 15 दोगे तो ए और बी में से किसने अपना भोग दिया बच्चों, किसने त्याग दिया, तो उसे बोला जाता है सेक्रीफाइस रेशियो. और सेक्रीफाइस रेशियो का बच्चों सिंपल फॉर्मूला है, सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, या दूसरी भाषा में बोलना हो बच्चों तो ओल्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट माइनस न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट. अब ये सेक्रीफाइस रेशियो होता क्या है बच्चों, जब कोई एक पार्टनर को आप प्रॉफिट का पोर्शन ज़्यादा देते हो तो इन दिस कंडीशन ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो के कंपैरिजन में नए प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में जो पार्टनर को कम प्रॉफिट मिलता है उसे बोला जाता है सेक्रीफाइस, एंड दैट इज कॉल्ड सेक्रीफाइस रेशियो. क्लियर. जब आप एक पार्टनर को ज़्यादा प्रॉफिट दोगे उसका इंक्रीज करो तो स्वाभाविक है कोई एक या अदर पार्टनर का प्रॉफिट रिड्यूस होगा, दैट इज कॉल्ड सेक्रीफाइस. ओल्ड रेशियो की कंपैरिजन में नया प्रॉफिट एंड रेशियो रिड्यूस हो या कम हो तो दैट इज कॉल्ड सेक्रीफाइस. अच्छा, इसके सामने बच्चों कोई एक आध पार्टनर को गेन भी होता है तो दैट इज कॉल्ड गेन रेशियो. तो गेन रेशियो का फॉर्मूला होगा बच्चों, इसे रिवर्स कर देना है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, या इसे कह सकते हैं बच्चों न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट माइनस ओल्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट. अब बच्चों इसको लैंग्वेज में मीनिंग समझना हो तो गेन किसे होता है बच्चों, तो जब ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो की कंपैरिजन में नए प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में जो पार्टनर को प्रॉफिट का शेयर ज़्यादा मिलता है उसे कहा जाता है गेन ऑफ पार्टनरशिप, गेन रेशियो. क्लियर. तो ओल्ड रेशियो की कंपैरिजन में प्रॉफिट एंड लॉस में ज़्यादा प्रॉफिट मिले बच्चों, इंक्रीज हो प्रॉफिट, तो दैट इज कॉल्ड गेन. कोई पार्टनर का प्रॉफिट कम हो जाए बच्चों उसका ओल्ड की कंपैरिजन में तो दैट इज कॉल्ड सेक्रीफाइस. तो ये पूरे टॉपिक के अंदर बच्चों आपको एक
दो तीन या कई बार दो पार्टनर्स का डिटेल दिया होगा, आपके पास ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो होगा, और फ्यूचर में बच्चों कोई पार्टनर ज़्यादा मेहनत करेगा तो नया प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो दिया होगा, जिसके आधार पर आपको किसने सेक्रीफाइस किया और कौन से पार्टनर को गेन हुआ बच्चों वो काउंट करना है। तो ये हो गया बच्चों रिकंस्ट्रक्शन का बेसिक। तो ऐसा कह सकते हैं बच्चों रिकंस्ट्रक्शन कोई बिल्डिंग या हाउस से कनेक्टेड नहीं है, ये पूरा टॉपिक पार्टनरशिप से कनेक्टेड है। इसका सिंपल मीनिंग समझना हो तो चेंजेस इन पार्टनरशिप ड्यू टू सेवरल रीजन इज नोन एज रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। सिंगल लैंग्वेज में बट्टो पार्टनरशिप में चेंजेस करो ड्यू टू एनी सेवरल रीजंस, कोई भी रीजन से, तो दैट इज कॉल रिकंस्ट्रक्शन, या फिर इसे रिकंस्टिट्यूशन भी कहा जाता है। और इसके मेन तीन रीजन है बच्चों, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज करना ड्यू टू एनी रीजन, कोई एक पार्टनर ज़्यादा मेहनत कर रहा है, किसी की डेथ हो गई, कोई एक पार्टनर अंदर एंटर हुआ, तो ऐसी अलग अलग कंडीशन में बच्चों आपको प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज करना है जो आपको पढ़ना है ये टॉपिक में। उसके बाद कोई पार्टनर एंटर हो बच्चों तो उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं, असेट्स एंड लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन होता है, पार्टनर गुडविल लेके आता है तो उसको डीप में पढ़ना है चैप्टर 5 में, और कोई पार्टनर रिटायरमेंट हो जाए या उसकी डेथ हो जाए तो बच्चे से जुड़ा हुआ वर्किंग हमें पढ़ना है चैप्टर नंबर 6 में। तो दिस थ्री टाइप्स ऑफ चेंजेस इन डन इन पार्टनरशिप दैट इज कॉल्ड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। अब बच्चों वीडियो पॉज करके आपको बेसिक एग्जाम्पल नोट डाउन करना हो तो कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड में बच्चों मैं आपको रब करके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ सेक्रीफाइस एंड गेन रेशियो समझाने जा रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, स्क्रीन पे अब आप क्वेश्चन देख रहे हो बच्चों, प्रैक्टिकली मैं एक एग्जांपल से आपको पूरा सेक्रीफाइस रेशियो और गेन रेशियो समझाने जा रहा हूँ। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। तीन पार्टनर है बच्चों ए बी सी जिनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इक्वल है, दैट इज कॉल ओल्ड रेशियो। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1:3 फॉर फ्यूचर। अब उन्होंने फ्यूचर में डिसाइड किया है बच्चों 2:1:3 रेशियो होगा, दैट मीन्स न्यू रेशियो। इन दिस सर्कमस्टेंसेस फाइंड आउट विच पार्टनर सेक्रीफाइस एंड विच पार्टनर हैज गेन। कौन से पार्टनर ने बच्चों सेक्रीफाइस किया, भोग दिया है, त्याग दिया, और कौन से पार्टनर को बेनिफिट हुआ वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। अब कोई भी वैल्यू बच्चों फाइंड करनी हो तो सबसे पहले आपको इसको एक टेबल में नोट डाउन करना है। देखिए सबसे पहले मैं एक टेबल बना के आपको समझा रहा हूँ, पर्टिकुलर्स, ठीक है। फिर पार्टनर ए, थोड़ी जगह छोड़ी, पार्टनर बी, सी, और फिर बच्चों लिखेंगे टोटल, ठीक है। सबसे पहले बच्चों मैं इसके अंदर आपको दिखाऊंगा ओल्ड रेशियो। यस, पार्टनर का ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो क्या है, ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो ऊपर से लेते हैं बच्चों इक्वल बोला है 1:1:1, और कैलकुलेटर से टोटल करेंगे बच्चों तो 3। अब बच्चों ओल्ड रेशियो को शेयर में लिखना हो तो ओल्ड शेयर ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, यस 1/3 एंड 1/3, ये कैसा है बच्चों टोटल 3:1/3, ठीक है। तो इसे बच्चों कहा जाता है ओल्ड रेशियो। उसके बाद बच्चों हम लिखेंगे न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, जो मुझे दिखाई दे रहा है बच्चों 2:1:3, टोटल करोगे 2 और 1 = 3, 3 + 3 = 6, ठीक है। अब इसको लिखना हो तो बच्चों न्यू शेयर करके ऐसे लिख सकते हो 2/total value 6, 1/total value 6 अने 3/total value 6, ठीक है। ये हो गया बच्चों आपका सबसे पहले ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो, ओल्ड शेयर और न्यू शेयर का कैलकुलेशन, ठीक है। अब बच्चों मैं आपके सामने फॉर्मूला यूज करने जा रहा हूँ सेक्रीफाइस रेशियो का। सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल टू, बराबर ध्यान से देखना बच्चों, सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला लिख के मैं लिख रहा हूँ, या सेक्रीफाइस बाय पार्टनर ऐसा कह सकते हैं, सेक्रीफाइस बाय पार्टनर इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर्स, ठीक है। ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस जो भी रेशियो है बच्चों उसमें से शेयर लेना है, नया शेयर उसमें से माइनस करना है। सबसे पहले ले रहे हैं पार्टनर ए इज सेक्रीफाइस इक्वल टू, उसका ओल्ड से लेंगे बच्चों, ले लिया मैंने 1/3 माइनस नया सर है बच्चों उसका 2/6। अब बच्चों इसको एलसीएम से भी आप सॉल्व कर सकते हो पर वो डिफिकल्ट है, आपको मैं सिंपल मेथड समझा रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 6 × 1 = 6, 3 × 2 = 6 and 6 × 3 = 18, ठीक है। जैसे बच्चों आप माइनस करोगे 6 में से 6 गया 0, 0 नीचे 18। अब आप देख सकते हो बच्चों ना वैल्यू माइनस में आई ना प्लस में आई,
तो जब आप सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो ओल्ड माइनस न्यू और आंसर बच्चों जीरो आए, तो आप यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हो नो सेक्रीफाइस नो गेन, यानी ये पार्टनर को बच्चों प्रॉफिट भी नहीं हुआ और सेक्रीफाइस यानी उसने भोग भी नहीं दिया। ठीक है, आई थिंक बच्चों आपको दिखाई दे रहा है क्लियरली। अब बच्चों सेम कैलकुलेशन करेंगे हम बी के लिए। बी इज सेक्रीफाइस इक्वल टू उसका ओल्ड शेयर, बी का ओल्ड शेयर है बच्चों 1/3, फिर से लिखेंगे 1/3 माइनस न्यू शेयर, ये रहा 1/6। ठीक है, जैसे बच्चों ओल्ड में से न्यू माइनस करोगे फिर से क्लॉस मल्टीप्लाई, 6 1 6, 3 1 3, 6 3 18। ठीक है, जैसे बच्चों इसका डिफरेंस लोगे 6 में से 3 गया 3 upon 18। अब बच्चों और इसको डिवाइड करोगे 3 का वर्ड चलेगा, 3 1 3, 3 6 18, तो वैल्यू आएगी बच्चों 1/6। अब जब आप सेक्रीफाइस रेशियो अप्लाई करते हो बच्चों और कोई पार्टनर का वैल्यू प्लस में आता है तो दैट इज कॉल्ड सेक्रीफाइस। इसे क्या कहोगे आप? सेक्रीफाइस। ओके, तो आप यहां कह सकते हो बच्चों बी हैज सेक्रीफाइस हिज पार्ट ऑफ प्रॉफिट 1/6। तो यहां कह सकते हो बच्चों बी ने अपना प्रॉफिट 1/6 सेक्रीफाइस किया, प्लस में आए तो सेक्रीफाइस। ठीक है, अब बच्चों आगे जाते हैं सी का कैलकुलेशन करते हैं। सी इज सेक्रीफाइस इक्वल टू सी का ओल्ड रेशियो यहां से लेंगे बच्चों 1/3, ये लिया, माइनस यहां से लेंगे बच्चों सी का नया रेशियो 3/6, फिर से बच्चों कॉलोस मल्टीप्लाइंग करेंगे 6 1 6, 3 3 9, माइनस करेंगे 3 6 18, 6 में से जैसे माइनस करोगे बच्चों आएगा -3 और नीचे आएगा 18, और -3 को 18 से डिवाइड करोगे बच्चों तो -1/6 आएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और जैसे माइनस में आए बच्चों तो याद रखना है दैट इज कॉल्ड गेन ऑफ पार्टनर। तो जब कोई पार्टनर की वैल्यू सेक्रीफाइस रेशियो में माइनस में आती है बच्चों शेयर में तो दैट इज कॉल्ड सेक्रीफाइस। तो ये माइनस में आ रही है सॉरी, तो दैट इज कॉल्ड गेन। तो यहाँ कह सकते हैं हियर सी हैज टोटल गेन इक्वल टू 1/6। क्लियर बच्चों, तो आप देख सकते हो कि सी ने अपना गेन 1/6 रिसीव किया है, क्यों? तो बी ने बच्चों सेक्रीफाइस किया। अब ओवरऑल बच्चों मैच करना हो आपको सेक्रीफाइस रेशियो और दोनों को, तो दोनों का टोटल कर सकते हो। हियर टोटल ऑफ सेक्रीफाइस प्लस गेन इक्वल टू जीरो। सेक्रीफाइस एंड गेन जीरो होना चाहिए। देखो बच्चों बी ने कितना सेक्रीफाइस किया, बी इज 1/6 प्लस सी ने कितना सेक्रीफाइस किया, वाई ने 1/6, दैट इज कॉल्ड जीरो। तो इस प्रकार से बच्चों आपके सामने देख सकते हो मैंने सेक्रीफाइस रेशियो का यूज किया और आपके सामने क्लियर है बच्चों कि यहाँ बच्चों बी को सेक्रीफाइस हो रहा है और एक सी को गेन हो रहा है बच्चों। अब यही फॉर्मूला बच्चों रिवर्स करके अगर आप गेन रेशियो का यूज करोगे तो भी सेक्रीफाइस और गेन का रेशियो आप फाइंड कर सकते हो। अब बच्चों यहाँ रेशियो नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, एक गेन कर रहा है। अगर दोनों पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे तो फिर उसका आप रेशियो ढूंढ सकते हो। वीडियो पॉज करके बच्चों इसे नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट, सेम क्वेश्चन सेम टेबल, मैं आपको अब गेन रेशियो का यूज करके भी सेक्रीफाइस और गेन की वैल्यू ढूंढ सकते हैं, मैं सिखा रहा हूं बच्चों। पूरे टॉपिक में यही है, तो एक बार देख लो बच्चों, कंफ्यूजन मत होना। या गेन ऑफ पार्टनर इक्वल टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, फॉर्मूला रिवर्स हो गया बच्चों। नया पार्ट है उसमें से पुराना पार्ट प्रॉफिट का माइनस करोगे, यू विल रिसीव गेन ऑफ पार्टनर। ठीक है, सबसे पहले मैं लेने जा रहा हूं बच्चों, फॉर्मूला रिवर्स हो गया, खाली ध्यान देना। ए पार्टनर इज गेन इक्वल टू, ए का न्यू शेयर ले लो बच्चों 2/6, पहले उसको आगे लिखना है, माइनस ओल्ड शेयर यहां से ले लो 1/3। जैसे माइनस करोगे बच्चों 3 2 6, 6 1 6, नीचे 6 3 18, क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर से बच्चों आप देख सकते हो 0 upon 18, यानी गेन के फॉर्मूला में बच्चों सेम आंसर आया। एक के अंदर यहाँ लिख सकते हो नो
सेक्रीफाइस नो गेन, क्लियर बच्चों? ठीक है, एकदम इजी है बच्चों, सेम क्वेश्चन और सेम आंसर। उसके बाद बच्चों बीज गेन ढूंढने जा रहे हैं हम लोग, ध्यान से देखना। बी का नया रेशियो है बच्चों 1/6, पहले नया रेशियो लिखेंगे माइनस ओल्ड रेशियो है 1/3, फिर से क्लॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 3, 6 1 6, 6 3 19 18। अब बच्चों जैसे आप 3 में से 6 माइनस करोगे, -3 आएगा और नीचे आएगा 18, और इसको कट करोगे बच्चों तो वैल्यू आएगी -1/6। अब बच्चों ध्यान रखना है, जब भी आप गेन का फॉर्मूला यूज़ करते हो बच्चों और वैल्यू माइनस में आती है तो दैट इज़ कॉल्ड सेक्रीफाइस। ये बी ने सेक्रीफाइस किया है ऐसा कह सकते हो। अब भी बच्चों आपने आंसर किया था उसमें भी सेम था, सेक्रीफाइस नो रेशियो यूज़ किया था और प्लस में आया था तो उसे गेन बोलते हैं बच्चों, सेक्रीफाइस बोलते हैं। यहाँ बी का आप गेन गिनने जा रहे हो, माइनस में आया, दैट इज़ कॉल्ड सेक्रीफाइस, सेम जवाब आया। ठीक है, अब मैं काउंट कर रहा हूँ, सीज गेन इक्वल टू सी का नया रेशियो है बच्चों 3/6, सी का ओल्ड रेशियो है 1/3। जैसे बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 9 6 1 6 और नीचे 6 3 18, आंसर आएगा बच्चों 3/18। इसे कट करोगे तो वैल्यू आएगी 1/6, और जैसे वैल्यू आई बच्चों प्लस में आए तो उसे बोला जाता है गेन। तो यहाँ फिर से बच्चों आप देख सकते हो सेम आंसर, बी सेक्रीफाइस कर रहा है और सी की वैल्यू प्लस में आई तो गेन। सेम बच्चों यहाँ अगर आपको टोटल टैली करना हो, टोटल इक्वल टू सेक्रीफाइस प्लस गेन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो बी ने सेक्रीफाइस किया है 1/6 प्लस ए ने गेन किया है 1/6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसका मीनिंग ये हुआ बच्चों, कोई भी क्वेश्चन का यूज़ करके आप गेन का यूज़ करो तो भी सेक्रीफाइस मिल जाएगा, और सेक्रीफाइस का यूज़ करो तो भी गेन और सेक्रीफाइस मिल जाएगा। ये हो गया बच्चों आपका पहला बेसिक क्वेश्चन, वीडियो पोस्ट कीजिए और इसे नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब हम टेक्स्ट बुक का एक क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करने जा रहे हैं, ध्यान देना बराबर। टेक्स्ट बुक क्वेश्चन नंबर 4, इलुस्ट्रेशन 1 होमवर्क में करना है, पेज नंबर 139 ऑफ GACB टेक्स्ट बुक, ऐसा कह सकते हो। ठीक है, और अगर आपके पास टेक्स्ट बुक ना हो बच्चे तो क्वेश्चन यहाँ मैंने लिखा हुआ है, छोटा क्वेश्चन है तो बोर्ड पे आ जाता है, समझ लीजिए। अमर एंड अकबर आर द पार्टनर्स ऑफ द फर्म, अमर एंड अकबर दो पार्टनर है, डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म इक्वल प्रोपोर्शन, दो पार्टनर है बच्चों इक्वली प्रॉफिट बांट रहे हैं, यानी 1:1। दे डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 2:3:2, उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज करके अब 3:2 करना है बच्चों फॉर फ्यूचर, भविष्य में, यानी नया रेशियो जो इक्वल रेशियो बच्चों ओल्ड है फ्यूचर के लिए जो वो नया रेशियो, अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस कैलकुलेट व्हाट सेक्रीफाइस हैज बीन मेड बाय पार्टनर। अब बच्चों यहाँ कौन से पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया वो आपको फाइंड करना है। अब बच्चों जो पहला क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिकली समझाया थियोरी के साथ, उसमें मैंने गेन रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो दोनों का यूज करके दोनों वस्तु फाइंड की थी। अब बच्चों मैं आपको कन्फ्यूज नहीं करूंगा, अब हमें मात्र सेक्रीफाइस बोला हो तो सेक्रीफाइस रेशियो का ही यूज करना है, ठीक है, जिससे बच्चों हमें दुख ना हो। चलो अब आंसर के लिए सबसे पहले कौन से पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया वो फाइंड करना हो तो हम टेबल बना दें, सबसे पहले पर्टिकुलर्स, उसके बाद पार्टनर का नाम अमर अकबर और फिर टोटल, ये टेबल बनाने से बच्चों थोड़ा काम इजी हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे बच्चों ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो जो इक्वल बोला है 1:1, टोटल होगा 2। उसके बाद बच्चों यहाँ हम ढूंढेंगे ओल्ड शेयर जो एकदम आसानी से आप देख सकते हो 1, टोटल नीचे लिखना है 1/2, यहाँ भी आप देख सकते हो 1/2। उसके बाद लिखेंगे बच्चों न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो जो मुझे दिख रहा है बच्चों 3:2, 3:2, टोटल होगा बच्चों 5, इसको थोड़ा और लाइन खींच लेते हैं बच्चों, 3:2 में उसका मुझे शेयर लिखना हो तो न्यू प्रॉफिट का शेयर 3/5 आएगा बच्चों एंड 2/5। तो ये बच्चों स्पेशली रेशियो को शो करने का टेबल है, डायरेक्ट लिखो बच्चों तो भी चलता है, पर जितना आप प्रेजेंटेशन अच्छा दिखाओगे उतना सामने वाले को मजा आएगा। ओल्ड रेशियो उसको लिखने का शेयर, न्यू रेशियो उसको लिखने का शेयर। अब बच्चों हमें आंसर पता है, मैं इस तरफ कंटिन्यू करने जा रहा हूँ बच्चों, ध्यान से देखना। अब यहाँ सेक्रीफाइस बाय
पार्टनर इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। और बच्चों ऐसा ना लिखना हो तो ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो ऐसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। चलो अब बच्चों मैं सबसे पहले सैक्रिफाइस काउंट करने जा रहा हूँ। अमर सैक्रिफाइस इक्वल टू अमर का ओल्ड रेशियो बच्चों 1/2 ये लिखा मैंने, माइनस न्यू शेयर है उसका 3/5, ठीक है। अब जैसे बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू मिल जाएगी, 5 1 5, 2 3 6, और नीचे आएगा बच्चों 2 5 10। अब बच्चों 5 में से 6 माइनस करोगे तो आएगा -1/10, तो यहाँ बच्चों वैल्यू माइनस में आ रही है। तो जब आप सेक्रीफाइस का रेशियो यूज़ करो और उसमें माइनस में वैल्यू आए बच्चों, तो दैट इज कॉल्ड गेन फॉर पार्टनर। तो यहाँ कह सकते हैं बच्चों कि अमर हैज़ गेन इन न्यू रेशियो, उसको नए रेशियो में गेन हो रहा है बच्चों। और सिंपल लॉजिक से देखना तो उसको 5 प्रमाण था, आप 6 दे रहे हो बच्चों, तो दैट इज कॉल्ड गेन। उल्टा आंसर आए तो गेन, ऐसे याद रखना। अब देखते हैं बच्चों सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ अकबर। अकबर सेक्रीफाइस इक्वल टू ओल्ड रेशियो अकबर का 1/2 और अकबर का नया रेशियो है बच्चों 2/5। अब इसको डिवाइड करोगे और मल्टीप्लाई करोगे, एलसीएम करें बच्चों, 5 1 5 क्रॉस मल्टीप्लाई इजी बढ़ता है, 2 2 4, और नीचे आएगा 2 5 10। जैसे बच्चों इसे माइनस करोगे, 5 -4 इक्वल टू 1, और नीचे आएगा 10। जैसे वैल्यू प्लस में आई बच्चों ऐसा कह सकते हैं दैट इज कॉल्ड सेक्रीफाइस बाय अकबर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब ये क्लियर हो रहा है बच्चों, अमर ने गेन रिसीव किया है 1/10, क्यों? तो अकबर ने बच्चों सेक्रीफाइस किया। ओवरऑल बच्चों टैली करना हो, आंसर मैच करना हो, तो याद रखना है टोटल सेक्रीफाइस इक्वल टू टोटल गेन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर वो मैच हो जाए बच्चों तो आपको पता चलेगा एक पार्टनर ने गेन किया, एक ने सेक्रीफाइस। अब देखो बच्चों अमर ने कितना गेन किया है, अब सबसे पहले सेक्रीफाइस लिखते हैं। यस, इसने 1/6 सेक्रीफाइस किया। कौन है बच्चों? अकबर। और सामने गेन किसने किया है? अमर की वैल्यू माइनस में बच्चों, -1/10, ठीक है, ये गेन है बच्चों। जैसे आप ये दोनों का टोटल करोगे मैच हो गया। यस, अगर टोटल इक्वल हो जाए बच्चों तो समझ लो आपका कैलकुलेशन सही है। सॉरी, यहाँ बच्चों 1/10 लिखना था, तो 1/10 गिवन बाय अकबर टू अमर। तो बच्चों ये हो गया गेन एंड सेक्रीफाइस का कैलकुलेशन यूजिंग सेक्रीफाइस रेशियो। यहाँ रखते हैं बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सेक्रीफाइस और गेन की सफर को और आगे बढ़ाएंगे। बहुत ही आसान टॉपिक है बच्चों, ये क्वेश्चन टोटल आपको 3 मार्क्स दे सकता है। वीडियो पोस्ट कीजिए और इसे नोट डाउन कर लीजिए। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशंस।